राज्य मंत्री उपेश भदौरिया ने महगांव में प्रेस वार्ता के जरिए पत्रकारों से रूबरू होकर भाजपा की केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया भी मौजूद रहे। उपेश भदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म कर विकास की राजनीति प्रतिष्ठित की है। राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 370 धारा, ट्रिपल तलाक को खत्म किया और आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक की। भाजपा सरकार अयोध्या राम मंदिर पर तेजी से निर्माण कार्य कर रही है। देश भर में महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए, जनधन खाते खुलवाए, इस तरह से तमाम योजनाओं को उपेश भदौरिया गिनाते नजर आए। तो मध्य प्रदेश में हम संगठन में भी मजबूत हैं, मध्य प्रदेश में हम नीतियों को लागू करने में मजबूत हैं, मध्य प्रदेश में हम जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में मजबूत हैं। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनने वाली है। 2024 में भी लोकसभा में फिर से हम भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दोहराएंगे और ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश की जनता को आर्थिक रूप से सशक्त और शिक्षित बनाने के लिए, स्वास्थ्य के दिशा में और गरीब कल्याणकारी नीतियां लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और इसके लिए जो प्रदेश सरकार ने, जैसा अभी हमारे प्रवक्ता जी ने बनाया, हमारी केंद्र की सरकार ने, केंद्र के हमारे संगठन ने जो एक महीने का कार्यक्रम बनाया था, उस कार्यक्रम में भी उसके माध्यम से हम जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुँचाने के काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता हर जिले का दौरा कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया की तहत कल हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण तुकजी महगांव पधार रहे हैं। मंडी में जो हमारी केंद्र की नीतियां हैं उनको लेकर के हितग्राहियों को संबोधित करने का वो काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं जनप्रतिनिधियों से और जो हमारे हितग्राही हैं, स्व सहायता समूह हैं, कि उस कार्यक्रम को आके भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।